नमस्कार सुप्रभात मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपण मानको स्वागत करुची भाग्य भविष्यत लाइव को। दर्शक बंधु आपण मानकर प्रश्न आपण मानकर समस्या उपरे हमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत आपणकर जति किछि प्रश्न रहुची समस्या रहुची ताले हमको कॉल करंतु स्क्रीन ने फ्लैश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपणकर सटीक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान दियंतु। दर्शक बंधु जेंति कि आपण माने जानि चंति प्रत्येक सप्ताह रे किछि विषय कुनी कि आमे आलोचना करचंति वर्तमान समय रे शिक्षा वृत्ति चाकरी उपरे आलोचना करचंति। गत सप्ताह रे आमे जॉब एवं आपणकर बिजनेस आपण केमती करिवे सिलेक्शन केमती करिवे आपण जतले स्टडी सारुचंती आपण जॉब करिवे कि बिजनेस करिवे तार सिलेक्शन आपण केमती करिवे किछि जोग उपर आमे आलोचना करथले। आजि मध्ये किछि जोग उपर आलोचना करिवे आपण को हॉरोस्कोप रे इनिशियली देखंतु लग्न केते स्ट्रांग अछि। लग्न जदि स्ट्रांग अछि 7th हाउस जदि स्ट्रांग अछि ताहाले आपण बिजनेस पई जहा भी डिसिजन नउचंती बहुत भल रहइबो बहुत भल फ्यूचर रहइबो। काहे कि ना 7th हाउस बिजनेस रो हाउस लग्न आपणकर सेल्फ जहा भी डिसिजन नउचंती आपणकर मोरल लग्न जतबेले स्ट्रांग अछि 7th हाउस स्ट्रांग अछि आपण बिजनेस पई जहाँ तो बहुत भल रहा 10th हाउस जदि स्ट्रांग अच्छे लग्न स्ट्रांग अच्छी 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस कारक शनि सूर्य बहुत स्ट्रांग अच्छे आप जॉब पाई गले बहुत भल रहा। जॉब सहित आपड़ किसी ना कि बिजनेस करेंगे से जग देखु आपंकर जॉब हाउस सहित 7th हाउस बहुत भल कम्बिनेसन रहा दरकार। 7th हाउस विशेषकर कारक शुक्र और बिजनेस कारक बुध और स्ट्रंग जदि थी आपंक बिजनेस सहित जॉब करेंगे। हॉरोस्कोप देखते गवर्नमेंट जॉब आपन को जदि शनि बहुत भल अच्छी सूर्य जदि बहुत भल अच्छी सूर्य गवर्नमेंट कारक ग्रह सूर्य स्ट्रंग थे आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। जड़े कलर जोड़ी होती झारसुगुड़ प्रियमदा मैडम तक सहित कथ हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे पुओ को जन्म तारीख कहतु आज्ञा पुओर ना अभिषेक तार डेट ऑफ बर्थ है अक्टोबर 9, 2004 समय कहतु समय होची दिन सकाळ 11:00 आ स्थान हैला केउंझर कोन जानिबे पुंग विषय रे। हां पुओ होची ए वर्ष तार 10th बोर्ड दबो से ये पढा पढी रे से मन लगोनी बहुत अस्थिर होची तो केमती कोन टिके देखंतो सर तार माने कोन अच्छी जे से पढा पढी रे मन लगोनी टिके स्वभाव भी उग्र होची लग्नाधिपति मंगल हॉरोस्कोप बहुत भल कंडीशन अच्छी 11th हाउस पोजिशन रखी मंगल सूर्य बुध बृहस्पति कंजक्शन हो बहुत भल एजुकेशन फ्यूचर पर बहुत भल रही है। राशि कर्कट राशि आपंकर आश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि कर्कट राशि लॉर्ड चंद्र शनि सहित कंजक्शन अच्छी आपन को 9th हाउस जोटा कि विषजोग कह जाए आपण मानसिक अस्थिरता पुअर मानसिक अस्थिरता और कनसेंट्रेसन अभाव रोचे कहीं कि ना कर्कट राशि जेतबले जलतत्व लग्न आपणकर स्थिरता ही जस्टिफाए करे। चंद्र मध्य आपणकर मानसिक स्थिति को जस्टिफाए करे। चंद्र शनि रो जेतबले जोग रहुची आपणकु विषजोग रहुची मानसिक अस्थिरता रहुची फ्रस्ट्रेशन रहुची टिंगा रहिबो रागीजीबो कथा कथा रे रागीबो। वर्तमान समय शुक्र रे शुक्र चालची 7th हाउस रो लॉर्ड 12th हाउस रो लॉर्ड शुक्र आपण हॉरोस्कोप रे 10th हाउस रो पोजीशन नगुची नवांश रे मध्य शुक्र सूर्य शनि सहित कंजक्शन अछि नेगेटिव अफ्लिक्शन अछि। वर्तमान समय आपणकु बहुत भलो आसीबो 2021 मार्च पर पिला बहुत भल रही है जहाँ भी रखुची आपन को एग्जाम बहुत भल गए प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे मून स्टोन पिंधातु 8 कैरेटर बहुत भल रहा मानसिक स्थिरता बहुत भल अच्छी फ्यूचर। प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात 27 धूप चढ़ातु पिला गोत्र में बहुत भल अच्छी फ्यूचर बहुत भल रियर। तो दर्शक बंधु जमी आम आलोचना करण आपणकर जॉब किंबा बिजनेस केमती चूज करेंगे जितेबाला पढ़ा सारुंट स्टडी सरुच जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे आप हॉरोस्कोप देखूँ आपंकर लग्न सहित 7th हाउस जब स्ट्रंग अच्छी बिजनेस गले बहुत भल स्ट्रंग रे कलर जोड़ी केन्दूर तक सहित कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे पुओं जन्म तारीख कहतु सेप्टेम्बर 28, 1981 टाइम कौन तो सकाळ 8:45 स्थान कौन तो जन्म स्थान स्थान केउझर जिला रा कालिका प्रसाद गांडे कौन जानिबे प्रश्न रखंतु सर पिलाटा बहुत खराब रास्ता को जाउत ना आगर अपन संग थरे फोन करी थी आ पिया पी भी करू थी से केंतार चतुर्थ घरे केतु दशम घरे मंगल राहु अछि ताल सर्प अंगारक जग बोली जो ज्योतिष माने कहू छथि आउ केमती कौन कर रास्तार केमती पार ओरिया केमती कौन भविष्य चाकरी भी बारंबार छाड़ू
ठीक अच्छे मैडम हरस्कोप देखा लग्न तुला लग्न लग्नाधिपति शुक्र आप हरस्कोप बहुत भल कंडीशन अच्छी शुक्र लग्न पोजिशन रखुच्छे बुध सहित कंजक्शन अच्छी जेहेतु आपंकर लग्नाधिपति शुक्र राशियाधिपति आपंकर बुध आपंकर राशियाधिपति राशि आपंकर कन्या राशि हस्ता नक्षत्र कन्या राशि हस्ता नक्षत्र लर्ड चंद्र आप हरस्कोप 12th हाउस पोजिशन रखुच्छे अमावास्या पाखापाखि जन्म होती चंद्र सूर्य शनि और आपंकर बृहस्पतिर कंजक्शन होती एकाधिक मेलेफिक एफ्लिक्शन जेहेतु रोचे मानसिक अस्थिरता बढ़ी जाए भूल डिसीजन नौचे भूल रास्तार जाऊँ वर्तमान समय बृहस्पतिर बुध चलती आगक बहुत भल समय आस बृहस्पतिर बुध में आपन को सुख सूर्य आसव 2021 जुलाई पर बहुत भल समय आस अंगार जोग रोचे आप 10th हाउस आपंकर सेकेंड हाउस लर्ड 7th हाउस लर्ड मंगल राहु सहित युक्त अच्छी नीच अवस्था अच्छी कितु नवांश में उच्च अच्छी बहुत भल रंगारक जोग एत नेगेटिव हम ना कहीं आपंकर मंगल जो नवांश में उच्च अवस्था अच्छी लग्न अच्छी बहुत भल करियर दब बहुत भल फ्यूचर अच्छी गोटे प्रतिकार आपण करेंगे राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे मून स्टोन पिंधतु कहीं मानसिक स्थिरता बहुत भल दरकार आपको रोत भल फ्यूचर रोटे रुद्राभिषेक करूँ रोगान शिशा मंत्र रुद्राभिषेक 17 दिन करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल करियर अच्छी पिलार तो दर्शक बंधु जमी आम आलोचना करपर बिजनेस आप देखते 7th हाउस सहित लग्न जी स्ट्रंग अच्छी लग्न आपर विशेषकर मेष लग्न सिंह लग्न धनु लग्न वृष लग्न कन्या लग्न मकर लग्न जी रोच 7th हाउस लॉर्ड शुक्र जी स्ट्रंग अच्छी 7th हाउस आपंकर बिजनेस कारग्रह बुध जी स्ट्रंग अच्छी बुध जदि आपको हरस्कोप आपण को इंडिविजुआली रोचे तेल बहुत भल रहा जहाँ भी आप डिसीजन ने बुध जब स्ट्रंग अच्छी नेगेटिव एफ्लिक्शन ना तो बहुत भल रहा डिसीजन आपंकर बिजनेस जहाँ भी डिसीजन नौकरी स्ट्रंग रही है फ्यूचर बहुत भल अच्छी देखो आपंकर लग्न जब स्ट्रंग अच्छी 10th हाउस स्ट्रंग अच्छी 10th हाउस कारक जमीक जब रारक शनि जब स्ट्रंग अच्छी शनि आप मकर राशि कुंभ राशि और तुला राशि उच्च और सक्रिय अवस्था रोचे तेल जब जहाँ भी डिसीजन नौकरी बहुत भल रहा सूर्य सरकार कारग्रह सूर्य मेष राशि सिंह राशि जब रोचे तेल बहुत भल आप गवर्नमेंट जब पारे ये सेम जिन को D9 चार्ट चेक करवा दरकार D9 चार्ट जब आप बुध स्ट्रंग अच्छी बहुत भल बिजनेस करेंगे लग्न स्ट्रंग अच्छी बहुत भल बिजनेस करेंगे 10th हाउस सहित आपन को जदि लग्न स्ट्रंग अच्छी शनि शनि स्ट्रंग अच्छी शनि उच्च अच्छी आपको D9 चार्ट बहुत भल जब आपे जातु देखो बिजनेस आपन को बुध जदि स्ट्रंग अच्छी आपंकर लग्न मिथुन लग्न रोचे तुला लग्न रोचे कुंभ लग्न रोचे और आपंकर कर्कट लग्न रोचे तेल बहुत भल बिजनेस आपे आउ जे कलर जोड़ भद्रकु भागवत बाबू सहित कथा हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे सर चार दिन तले आपजोग करी सर देखी कही आप येलो सफारी गोटे पिंधा कथा राइट हैंड रे सर येलो सफाटा कौटी मिल आज्ञा आप जन्म तारीख कहतु मोर जन्म होगा आज्ञा 28/7/1980 स्थान कहतु स्थान आज्ञा भद्रक समय कहतु समय राति 11:52 ठीक अच्छे आप हरस्कोप देखिए आप लग्न मेष लग्न लग्नाधिपति मंगल आप शनि सहित युक्त अच्छी जेहतु आप भाग्याधिपति बृहस्पति 5th हाउस पोजिशन रखुच्छे आप येलो सफेर पिंधतु येलो सफेर आप देखते येलो सफेर बहुत भल येलो सफेर रहा दरकार आपको ट्रांसपेरेंट क्वालिटी देखते नवांश में बृहस्पति बहुत भल कंडीशन अच्छी आप येलो सफेर पिंधतु फ्यूचर बहुत भल अच्छी करियर बहुत भल रहा आउ जे कलर जोड़ केन्दुझर प्रतिमा मैडम सहित कथा हेलो हेलो हाँ सर आगे मोर 28/1981 मसीहा आउ थरे कोंतु सेप्टेम्बर 28/1981 जन्मस्थान केन्दुझर तारीख तो सर 1981 समय कोंतु समय सकाळ 8:45 कोन जानिबे सर से आगुरु कहूँ प्रकार सर प्रथम केतु दशम नवम अच्छा ठीक अच्छे मैडम हरस्कोप देखा लग्न तुला लग्न जमीक बर्तमान आप हरस्कोप देखिली लग्नाधिपति शुक्र आप लग्न पोजिशन रखुच्छी शुक्र उपरे नेगेटिव एफ्लिक्शन नौचे मंगल पूर्ण दृष्टि रोचे शुक्र को पावरफुल करा दरकार आप राइट हैंड मिडिल फिंगर गोटे ह्वाइट सेपर पिंधतु मानसिक अस्थिरता जेहतु बढ़ी जाऊँगी अमावास्या पाखापाखि जन्म होती चंद्र सूर्य शनि बृहस्पतिर कंजक्शन होती है नेगेटिव एफ्लिक्शन एकाधिक रोचे मानसिक स्थिरता मून स्टोन पिंधतु 8 कैरेक्टर बहुत भल रुद्राभिषेक करूँ कहीं आप राहु मंगल कंजक्शन होती कालसर्पदोष रोचे कितु
କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନବାଂଶରେ ମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେମ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପର, ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। तो दर्शक बंधु जमी आम आलोचना करते जॉब एवं आपंक बिजनेस आपतु जॉब्र कारक शनि सूर्य जी बहुत भल अच्छी तेल जॉब जातु बहुत भल रक्से पाइबे, बहुत भल कैरियर करेंगे। बुध जदि स्ट्रंग अच्छी, बुध आप कन्या राशि उच्च अच्छी, मिथुन राशि सोगरी अच्छी, बहुत भल आप बिजनेस जहाँ भी डिसीजन नौते बहुत भल रिजनेस जिते देखुं आपड़ देखते आपंकर धनजग रहा दरकार, सेकेंड हाउस स्ट्रंग रहा दरकार, कहीं सेकेंड हाउस फिनान्स हाउस, फिनान्स हाउस लॉर्ड जदि बहुत स्ट्रंग अच्छी, फिनान्सील कारक ग्रह आप बृहस्पति जदि बहुत भल अच्छी, आपको बृहस्पति उच्च अवस्था अच्छी सेकेंड हाउस रे, इलेवेन्थ हाउस रे, नाइन्थ हाउस रे, ताले बहुत भल रहा आप जहाँ भी फिनान्सील डिसीजन नौते बहुत भल रहा। इन्वेस्टमेंट आपत करेंगे बिजनेस आपको इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रहा दरकार, इन्वेस्टमेंट आपड़ देखते सेकेंड हाउस सहित थर्ड हाउस स्ट्रंग रहा दरकार। आपंकर मानसिक स्थिति जदि बहुत भल अच्छी तेल जहाँ भी डिसीजन ने इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रहा। चंद्र जदि नेगेटिव एफ्लिक्शन रोचे, चंद्र जमीक आपको राहु सहित युक्त हो, चंद्र केतु सहित युक्त हो, चंद्र ग्रहण रोचे, चंद्र विषयोग करुच्ची, शनि सहित कंजक्शन अच्छी, आपंक अमावास्या पाखापाखी जन्म होती आपन इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करुँच देखी चाहिए करूँ। बिजनेस जदि आप चंद्र दुर्बल रोचे बिजनेस करवा आप ठीक रही आपन देखते चंद्र जदि स्ट्रंग अच्छी, इनिशियली बुध जदि स्ट्रंग अच्छी, सेकेंड हाउस जदि स्ट्रंग अच्छी तेल बहुत भल बिजनेस आपे इन्वेस्टमेंट सेकेंड हाउस थर्ड हाउस जदि स्ट्रंग अच्छी, सेकेंड थर्ड हाउस जदि पॉजिटिव प्लानेट इन्फ्लुएंस रोचे जमीक बृहस्पति बुध और शुक्र जदि आपको शो करी उच्च अवस्था रोचान सेकेंड थर्ड हाउस तेल बहुत भल स्ट्रंग रहा आप जहाँ भी डिसीजन ने आपड़ जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे आपंकर बिजनेस बहुत भल रहा। देखते हरस्कोप जो आप बिजनेस करुँच बिजनेस किसी राजयोग देखा दरकार जमीक आपंकर धनजोग आपंकर सेकेंड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस इलेवेन्थ हाउस रोचे तेल बहुत भल धनजोग रोज बिजनेस आउ जे कलर जोड़ कटक्रु सहित कथ। हेलो आज्ञा सर आज्ञा कहत विषय जानवे हाँ सात तीन पुनर्वर्ष नक्षत्र मो निज ना माधव चंद्र राउत मो ना अच्छी आपण को जन्म तारीख कहु 17/4/1967 सकाळ समय 6टा केते 6:30टा हबो जन्म स्थान कहु तो जन्म स्थान बांकी नेटिव प्लेस बांकी कोन जानिबे मु जानिबे कोन ए जो छोटो जॉब गोटे अछि जे डिस्टर्ब होउछि चाकरी क्षेत्र रे समस्या कि झामला फामला सब रहउछि कोठि कोन धन क्षति रहउछि ठीक अपव्यय होउछि मतांतर होउछि एही दृष्टि जानिबे आ कोन जानिबे आज्ञा ठीक अच्छे ठीक अच्छे सर आप हरस्कोप देखिए आप लग्न मेष लग्न लग्नाधिपति मंगल आप हरस्कोप सेवेन्थ हाउस अच्छी कहीं लग्न आप सेल्फ निजे जहाँ भी डिसीजन नौते आपंकर मोराल आपको डिसीजन लग्न जदि स्ट्रंग अच्छी तेल बहुत भल रहा कितु आप हरस्कोप लग्न लग्नाधिपति मंगल सेवेन्थ हाउस केतु सहित युक्त अच्छी अंगारक जुग अच्छी एग्रेसीव रही नेगेटिव जहाँ भी डिसीजन ने बर्तमान आपंकर केतु सरी चलती मंगल जेहतु सेवेन्थ हाउस अच्छी बकरी अवस्था अच्छी जहाँ भी डिसीजन नौते होल्ड हो जाए आप फेवर आसुनी मंगल केतु सहित कंजक्शन अच्छी कारक जोग रोचे आप हरस्कोप हरस्कोप टेन्थ हाउस लॉर्ड इलेवेन्थ हाउस लॉर्ड आपको ट्वेल्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे बुध सहित कंजक्शन अच्छी वर्तमान समय केतु शनि चलती नेगेटिव समय 2021 अक्टोबर पर्यंत कंटिन्यू रोचे आपको जहाँ भी डिसीजन नौते जॉब पर जहाँ भी आप फाइनेंशियली डिसीजन नौते नेगेटिव हो स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम मझे मझे देखा हे गोटे प्रतिकार आप करूँ प्रत्येक मंगलवार दिन 9 मंगलवार दिन गोटे माटी सरारे मोहू पूर्ण करूँ से आप निज छाय दर्शन करूँ आप 9-12 भितर आपको प्रत्येक मंगलवार दिन 9 मंगलवार दिन छाय दर्शन करके आप हनुमान पाद तले आप नामगोत्र समर्पण करूँ बहुत भल रहा वक्रतुंडाय हूं फट नम जप करूँ गणेश बीज मंत्र गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे येलो सफेयर पिंधतु बहुत भल रहा फ्यूचर बहुत भल अच्छी कैरियर कहीं बृहस्पति आप जातक बहुत स्ट्रंग अच्छी फोर्थ हाउस आप कर्कट राशि उच्च अच्छी नवांश आपको वर्गोत्तमी अच्छी बहुत भल फाइनेंशियल कंडीशन रहा आगे बहुत भल फ्यूचर अच्छी आप। तो दर्शक बंधु जमी आम देखुं बिजनेस आपको धनजोग रहा दरकार, बिजनेस एजुकेशन आपको जिते मैटर करे ना आपको धनजोग रहा दरकार कहीं आम बहुत समय देखती आपको बहुत लोग अधिका पाठ न पढ़ी बिजनेस करती शिखर को जाती जमीक आप हरस्कोप शनि जदि स्ट्रंग अच्छी जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप ट्राए कर डिसीजन नौते स्ट्रंग रहा सेकेंड हाउस स्ट्रंग रही है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रंग रहेंगे सेकेंड हाउस स्थिर कारक बृहस्पति बहुत स्ट्रंग रोचे जदि आपको फिफ्थ हाउस नाइन्थ
ହାଉସରେ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୈଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧନଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସରେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସରେ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସରେ ରହିଲେ ଧନଯୋଗ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସରେ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କିମ୍ବା ଶୁଭଗ୍ରହ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଯଦି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ୱେଲଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଜ୍ୟୋତି ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଦଶା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରସ୍କୋପରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ବକ୍ରୀ ଅଛି, ବୁଧ ଯଦି ଅସ୍ତ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବରହମପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 29/1/2000। 29/1 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 3ଟା। ସକାଳେ ହେଲେ କିବା ରହୁଛି? 30 ହବ ସକାଳେ ହେଲେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କୋଦଳା। କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ନେବେ ପାଠ ପଢାପଢି ସରିଲା, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଚାଲିଛି, ଏବର୍ଷ ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କିଛି ଜବ୍ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଇଛି, ବିଟେକ୍ ଚାଲିଛି। ବିଟେକ୍ ସରିଗଲା? ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ସରିଯିବ ଫାଇନାଲ ଇୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 18 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଷ ରାଶିରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 4 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 11/1985। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି ଗୋଟେ, ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ ହବ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ୟୁପି। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ନା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ମୁଁ ଟିକେ ରୋଜଗାର କମିଯାଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ତ ଘରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ ନା ଆକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣଟା କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ମ୍ୟୁଜିକଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, କିଛି ଏଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା ଏଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ठीक अच्छे ठीक अच्छे सर आप हरस देखिए आपंक लग्न वृष लग्न वृष राशि जेहेतु आपंकर लग्न स्ट्रंग अच्छी आपंकर राशि स्ट्रंग अच्छी चंद्र उच्च अच्छी आपंकर लग्न लग्नाधिपति बहुत स्ट्रंग अच्छी आपंकर म्यूजिक रो काराग्रह फाइनाइट रो काराग्रह बहुत स्ट्रंग अच्छी कहीं सेकेंड हाउस पोजिशन रखुच्छे लग्नाधिपति राशियाधिपति बहुत स्ट्रंग रहा आप म्यूजिक जाऊँ बहुत स्ट्रंग रहा म्यूजिक लाइन में रुहतु किसी आप सैड्रे बिजनेस करेंगे बिजनेस काराग्रह आप सेकेंड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड बुध थर्ड हाउस पोजिशन रखुच्छे सूर्य बुध मंगल सहित कंजक्शन अच्छी कम इनवेस्ट करके बिजनेस आपण करिपारे कहीं वर्तमान आपण समय बहुत भल आसुची आगक आपण को नवेम्बर तीस नवेम्बर परे परे बहुत भल समय आसान जहाँ भी डिसीजन ने बिजनेस आपड़ कम इनभेस्ट करके बिजनेस करूँ किसी आप बिजनेस करेंगे आपण को कस्मेटिक रिलेटेड आपण को किसी फैंसी रिलेटेड आपड़ किसी शौखीन सामग्री उपर किसी बिजनेस करूँ कितु कम इनभेस्ट करूँ बहुत भल अच्छी फ्यूचर बहुत भल अच्छी कैरियर पा बिजनेस करेंगे पा क्षीर रिलेटेड किसी बिजनेस करेंगे आप बिजनेस करूँ कम इनभेस्ट करूँ फ्यूचर भल रेरियर बहुत भल अच्छी गोटे प्रतिकार आप करूँ आप राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे व्हाइट सेपर पिंधु बहुत भल अच्छी फ्यूचर बहुत भल अच्छी कैरियर। तो दर्शक बंधु जमी आलोचना करते बिजनेस और आपको जॉब करने आज जग देखु बिजनेस आप हरस्कोप आपको एकाधिक प्लानेट्र आप पोजिशन रहा दरकार जमीक शुभग्रह शुक्र बुध और आपंकर बृहस्पतिर जी कंजक्शन नौ बिजनेस हाउस लग्न शुक्र बृहस्पति एवं आपणकर शुक्र बृहस्पति बुधर कंजक्शन हो बुध जदि स्ट्रंग अच्छी बुध जदि नेगेटिव एफ्लिक्शन ना जमीक मंगल राहु एवं सूर्यर एफ्लिक्शन ना सूर्य बुधर कंजक्शन हेल्ले बुध कंबस्ट होतीपाई बिजनेस आप जदि से परिस्थिति आप करेंगे तो नेगेट रही जहाँ भी डिसीजन नौ तो ये सब जिनस को आम आलोचना करसंता काली विषय वस्तु आलोचना करवा आज समय हो रुचि नमस्कार।